और यहाँ के एटमॉस्फेयर से, एकेडमिक एनवायरनमेंट से हमारा जिस प्रकार का एडप्टेशन शुरू हो जाता है, जिस तरह से हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। 2014 में यहाँ पे मास रिजर्वेशन का वॉयलेशन हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 160 सीट्स जो थे रिजर्व कैटेगरी के वो वैकेंट थे। ए से सक्रिय रहा है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि हर साल आप अगर देखेंगे बाकी इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह पे अगर कोई शेड्यूल लाइक रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसको अगर जनरल लिस्ट में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पे उसको एडमिशन जनरल कैटेगरी में ना देते हुए रिजर्व कैटेगरी में दिया जाता है। और इस प्रकार जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट का जो मूलभूत अधिकार है इधर पढ़ने का, वो छीना जाता है, वो अपॉर्चुनिटी उससे छीनी जाती है। तो वाइस चांसलर में 48 सीट्स ओबीसी के लिए थी, 6 दलित वाइस चांसलर थे और 6 शेड्यूल ट्राइब के वाइस चांसलर थे, और बाकी जो वाइस चांसलर थे और वो अपर कास्ट से आते थे। वो अभी तक आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी दलित और बहुजनों की जो संख्या है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में बढ़ी है, लेकिन जो बी ग्रेड है, जो ए ग्रेड है, जो मलाई वाला जो वर्ग है, वहाँ तक अभी हमारी पहुँच सीमित है। इसलिए हम लोग अभी बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं ऐसी आज़ादी को क्या कहूँ, मतलब आज़ाद तो हैं हम, लेकिन हम शायद उतने आज़ाद नहीं हैं जितना हमें और हमें आज़ादी की ज़रूरत है। सर जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। पूरे देश के अंदर में आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है और इस वक्त हम लोग मौजूद है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी जिसका नाम पूरे देश और दुनिया के अंदर में जब गया, और उसके बाद में एक खास वाक्या भी कहने के यहाँ पर होता है, जो पूरे देश ने देखा किस तरीके से हमारा जो समाज से आने वाले, बहुजन समाज से आने वाले जो विद्यार्थी है, कितने संघर्ष के साथ में अपने शिक्षा को, अपने शिक्षा के तमाम जीवन को, एकेडमिक एजुकेशन को पूरा करते हैं। रोहित वेमुला को आप ज़रूर जानते होंगे, ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जिनके माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर में उनके माध्यम से गया, जब उन्होंने इस एकेडमिक एजुकेशन के दौरान जिस प्रकार उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा, और वही ऐतिहासिक भूमि पर हम लोग खड़े हैं। और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चलता है जिसको अम्बेडकराइट स्टूडेंट एसोसिएशन कहते हैं, और उसी के तमाम साथी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज आज़ादी के इस पावन पर्व को लेकर क्या इनकी मंशा है, किस तरीके से सोच रख रहे हैं, और इस आज़ादी को इतने वर्ष होने के बाद में किस तरीके से देख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रज्वल है और मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का कन्वीनर हूँ जी, और यहाँ का जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रज्वल जी, आपसे जानना चाहूँगा, आज है स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का पर्व पूरा देश मना रहा है, किस तरीके से देखते हैं, या फिर आपके क्या मायने हैं एक बहुजन स्टूडेंट होने के नाते, किस तरीके से आप इस आज़ादी को इतने वर्षों के बाद देखते हैं? हाल ही में कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना इधर के नज़दीकी इंस्टीट्यूट में, IIT हैदराबाद में हुई, जहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट से आने वाली एक हमारी एक लड़की है, उसने कुछ कारणवश आत्महत्या करी है। और आप देखेंगे 2018 से ऑलमोस्ट 67 स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि IITs और IIM में सुसाइड किया है। और मतलब ये एक्चुअली एक संदेश है कि इतने सालों के स्ट्रगल के बाद जब हम लोग इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, और ये जो स्ट्रगल रहा है हमारा इन यूनिवर्सिटीज़ में, खाली ना ही बस आने का, पर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स जब हम लोग इस यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर से, एकेडमिक एनवायरनमेंट से हमारा जिस प्रकार का एडप्टेशन शुरू हो जाता है, यू नो एंगेजमेंट शुरू हो जाता है, और जिस तरह से हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इतने सालों के इतिहास के बाद। जैसे कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, इसका जो फाउंडेशन था वो 1993 में हुआ था, और तब से लेके आज तक ASA के बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस मेंट प्रिवेल करने के लिए। जैसे कि 2014 में यहाँ पे मास रिजर्वेशन का वॉयलेशन हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 160 सीट्स जो थे रिजर्व कैटेगरी के वो वैकेंट थे, और उस सब में
अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में पहली बार ये पूरा कैंपस 2 दिन के लिए बंद रखा, जब तक वो रिजर्व्ड सीट्स भरे नहीं जाते थे तब तक वो आंदोलन चालू रहा और यूनिवर्सिटी को स्पेशल ड्राइव करना पड़ा। और वो ड्राइव के बाद यहाँ के सारे जो भी वैकेंट सीट थे रिजर्व कैटेगरीज के वो भरे गए। और उसके बाद से ऐसे सक्रिय रहा है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि हर साल आप अगर देखेंगे बाकी इंस्टीट्यूट्स में हर जगह पे अगर कोई शेड्यूल लाइक रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसको अगर जनरल लिस्ट में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पे उसको एडमिशन जनरल कैटेगरी में ना देते हुए रिजर्व कैटेगरी में दिया जाता है। और इस प्रकार जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट का जो मूलभूत अधिकार है इधर पढ़ने का वो छीना जाता है, वो अपॉर्चुनिटी उससे छीनी जाती है। पर HCU में आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलती है, जिस प्रकार से रिजर्वेशन फॉलो होता है, इसमें एक बहुत आप बोलेंगे बहुत एफिशिएंसी होती है, इन अ सेंस के कोई भी रिजर्वेशन का वॉयलेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो मतलब ऐसे नहीं है कि ये सब चीज़ का क्रेडिट हम इंस्टीट्यूट को देंगे, हालांकि इंस्टीट्यूट ने ये सब चीज़ों को बदलने के लिए अपने तरफ से कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए अनलेस एंड अनटिल वी फोर्स्ड देम। एंड इतने सालों में हम लोगों ने हमारा जो यूनिवर्सिटी के साथ निगोशिएट करने का, उनके साथ जो हमारा स्ट्रगल है बरकरार रखने के, बहुत सारे तरीके इवॉल्व किए। जैसे कि आप रिसेंटली देखोगे तो ASA का एक 7-पेज रिपोर्ट आया था कि हम सबको पता है कि इंटरव्यूज़ में रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। भले ही वो रिटन एग्ज़ाम में टॉप करके आते हैं पर उनको इंटरव्यू में न्यूनतम मार्क्स दिए जाते हैं, कभी 0 कभी 1 ऐसे डिसमिसिव मार्क्स देके उन लोगों का एडमिशन अगर जनरल कैटेगरी में होने का पॉसिबिलिटी है तो वो पॉसिबिलिटी हटा के उनको बस रिजर्व कैटेगरी तक ही सीमित किया जाता है। तो जी आपसे जैसे कि आपने तमाम जो बातें कही कि किस तरीके से समस्याओं का सामना जो तमाम बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थी, शेड्यूल कास्ट से आने वाले विद्यार्थी, रिजर्व सीट से आने वाले विद्यार्थियों के साथ में होता है, क्या लगता है ये तमाम समस्या इस तरीके से बरकरार रहेगी या फिर इसका क्या सोल्यूशन आप मानते हैं? कब तक कि इन तमाम चीज़ों से जो बहुजन समाज है ये ऐसे ही झूलता रहेगा, बहुजन छात्र है इस तरीके से इन्हीं समस्याओं के साथ गुजरता रहेगा, क्या सोल्यूशन लगता है? हाँ, इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि हमारा संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आप अगर देखेंगे ऐसे एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है पर हमको बाहर से कोई अफिलिएशंस नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, पर फिर भी यहाँ पे मैं एक आई एम द 4th स्टूडेंट फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हु इज बिकमिंग अ स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन रहा है। और ऐसे ऐसे ने बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे दिए हैं। आप अगर देखो कि बाकी इंस्टीट्यूट में जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक तरह का उनको जो मोटिवेशन है वो कहीं नहीं मिलता। पर HCU में अगर स्टूडेंट आते तो वो मार्जिनलाइज सेक्शन से प्रेसिडेंट्स देखते हैं, इतने सारे लीडर्स देखते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स के बीच में का गैप है ये संगठन ने अपने अलग अलग तरीके से, जैसे कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं, हमारे लोगों को एकजुट करते हैं, उनको समझाते हैं हर चीज़ के बारे में, और वो जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो कास्ट सिस्टम उन पे इम्पोज करता है उसको हम लोग धीरे धीरे एक्सपोज करके उनके दिमाग से निकाल देते हैं। तो इससे ही यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट हमारे संगठन से ही 150 प्रोफेसर्स काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ IITs में गए। हमारे जो फाउंडर मेंबर है आज वो वाइस चांसलर है आंध्र प्रदेश में एक स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो ये सबका बस एक ही इलाज है जो है कि अपना संगठन मजबूत करना और अपने लोगों को एकजुट करना और जो संदेश बाबा साहब ने दिया है कि एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसको बरकरार रखना। तो जिस तरीके से अभी हमारा जो सवाल चल रहा था कि आज़ादी के इतने साल होने के बाद में भी क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है बहुजनों के हिस्से में, क्या मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जो बातें आपसे बता रहा था उसमें मैंने अभी कुछ सालों पहले फैजान मुस्तफ़ा की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो कि द हिंदू में प्रकाशित थी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने एक फिगर दिया था वाइस चांसलर का, तो वाइस चांसलर में 48 सीट्स OBC के लिए थी, 6 दलित वाइस चांसलर थे और 6 शेड्यूल ट्राइब के वाइस चांसलर थे, और बाकी जो वाइस चांसलर थे और वो अपर कास्ट से आते थे।
तो आप भी इस बात को सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है, अगर इतने सारे वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के होंगे और दलित बहुजनों की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अगर दलित बहुजनों को, माइनॉरिटी को उसके हक नहीं मिलेंगे तो ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है? बाकी तो हम लोग फिर प्रजा ही रह जाएंगे ना। तो हम प्रजा से थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं, हम प्रजा नहीं रहना चाहते, हम सिस्टम में हम भी रहें। मतलब हम भी कुछ 20-30 करोड़ लोग हैं, हम 40 करोड़ लोग हैं, तो हमारी भी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि केवल हम किसी दूसरे के सहारे पे, किसी दूसरे के एफर्ट से हम उनका मतलब तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएं। तो इस तरह की आज़ादी को हम पूरी तरह से आज़ादी नहीं मानते हैं। अभी भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उच्च जातियों का संस्थानों में वर्चस्व है, उन्हीं के पास मीडिया हाउस हैं, उन्हीं के पास यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के पास प्राइवेट सेक्टर है। तो हमारे वर्ग से जो लोग आए भी हैं, वो अभी तक आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी दलित और बहुजनों की जो संख्या है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में बढ़ी है। सी और डी ग्रेड की नौकरियां हम लोगों को मिली हैं, मिल रही हैं, लेकिन जो बी ग्रेड है, जो ए ग्रेड है, जो मलाई वाला जो वर्ग है, वहां तक अभी हमारी पहुंच सीमित है। इसलिए हम लोग अभी बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं। उनके लोग पहले से ही विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, अच्छी अच्छी जगह नौकरी करते हैं, कॉरपोरेट में करोड़ों रुपये को उनको हायर किया जाता है। हम लोग तो अभी ज़मीन तलाश रहे हैं। हमारे वर्ग के लोग जो हैं अभी धीरे धीरे कदम उन्होंने रखना शुरू किया है, और अगर उनके खिलाफ़ माहौल रहेगा, संस्थान उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको समावेशी नहीं बनाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देंगे जो इंक्लूसिव नहीं होगा, तो मैं ऐसी आज़ादी को क्या कहूँ। मतलब आज़ाद तो हैं हम, लेकिन हम शायद उतने आज़ाद नहीं हैं जितना हमें आज़ादी की ज़रूरत है। देश के अंदर में माहौल आप जिस प्रकार देख रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक माहौल, हिंदू राष्ट्र की बात करना, भारतीय संविधान को लेकर अनेकों तरीके से अनर्गल बातें करना, क्या लगता है ऐसे में जिस तरीके से भारतीय संविधान के बदौलत आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुजन समाज के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कैसा लगता है अगर देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाता है या फिर इस तरीके की संकल्पना अमल में आती है तो क्या देश के अंदर में परिवर्तन आप देखते हैं? आपका पहला सवाल जो कि हिंदू राष्ट्र से है, हिंदू राष्ट्र को देखने में तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही गोल्डन किस्म का है, जिसमें हम सबको सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि लोग भारत माता की जय बुलवा करके, हिंदू का गर्व अंदर भर के आपसे वोट ले लेते हैं, आपके वर्ग के का बाद में वो नुकसान करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला उदाहरण ये है कि जब वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, जब किसी स्टेट का राज्यपाल बनाया जाता है, किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, या कहीं पर भी जो बड़े बड़े पोस्ट होल्डिंग दी जाती है, उस समय हिंदू देख के नहीं दी जाती है, उस समय कास्ट देखी जाती है। तो आप जब वहाँ पर शेड्यूल कास्ट का आपके ऊपर धब्बा लगेगा ना, तो आपका हिंदू राष्ट्र बिखर जाएगा। उस समय आप फिर हिंदू नहीं रह जाते हैं, उस समय आप दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी हो जाते हैं। तो एक ये पहला सवाल है। अब दूसरा जो सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, देखिए कि इस समय जो फोर्सेस सत्ता में काबिज हैं, वो असल में संविधान विरोधी लोग हैं, उनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है, वो प्रोग्रेसिव ताकतें नहीं हैं, वो पीछे की तरफ धकेलने वाली ताकतें हैं, वो पहले की जो ग्लोरी है उनका ग्लोरियस पीरियड, हमारा ग्लोरियस पीरियड नहीं है, किसी दलित बहुजन का ग्लोरियस पीरियड नहीं कह सकते उसको। इन्होंने राज किया, इन्होंने ज़मींदारी की, इन्होंने मुग़लों के साथ, ज़मींदारों के साथ मिल के शासन चलाया, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ मिल के चलाया। हम लोग कंटिन्यूसली प्रजा रहे, खेती हर किसान मजदूर, हमारा वर्ग वहाँ तक सीमित है। हम लोग राजतंत्र में रहे, मैं से बाहर के लोग हैं, हम लोग बस्तियों के बाहर से लोग हैं। तो हमें तो चाहिए था कि इनको कुछ ऐसे योजनाएं बनानी चाहिए थी कि जो दलित बहुजन वर्ग से लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनको ज़्यादा इंक्लूसिव फील करते, वो उनको ऐसा लगता कि जो ऊँची जातियाँ हैं वो भी हमें चाहती हैं कि हमारे साथ मिलते, तब हम कह सकते थे, तब हम ये एक बार सोच भी सकते थे कि हिंदू राष्ट्र अच्छी चीज़ है।
लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में अगर आपको केवल पावर कैप्चर करना है और हमें प्रजा के रूप में इस्तेमाल करके हमारा वोट बैंक ले लेना है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को दलित बहुजन मेरे ख्याल से अभी भी नकार रहे हैं और आने वाले समय में भी नकारेंगे। देश के अंदर में कहने के चुनाव का माहौल चल रहा है, जिस प्रदेश में हम खड़े इस प्रदेश में भी आने वाले भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं। एक ऐसा देखा जाता है कि जिस तरीके से आपने तमाम गैर बराबरी की बात की, लेकिन इस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए जो तमाम जो नेता है जो बहुजन समाज के घर पर आते हैं, उनके साथ में मिलकर खाना खाने का काम करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इसको लेकर आप क्या मानना है? क्या इससे नहीं लगता कि गैर बराबरी आप ख़त्म हो गई? देखिए, कोई भी आदमी खाना खाने से बड़ा नहीं हो जाता है। और खाना खाने से क्या हो जाता है? हम तो स्टूडेंट लाइफ में हमने तो फेस किया है, ये चाहे कितना भी ढोंग धतूरा कर लें, लेकिन इनकी जो माइंडसेट है वो धर्म और संस्कृति केंद्रित है, वो समाज केंद्रित नहीं है। सपोज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज भी हम जाते हैं कहीं पे कमरा लेने के लिए जाते हैं किराए से, तो पहले वो ये पूछते हैं कि तुम किस वर्ग से, किस समाज से हो, किस जाति से हो। और अगर हम उन्हें पता चलता है कि तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तो वो कमरा देने से भी इनकार करते हैं, जबकि हम भी पैसा उतना ही देंगे जितना उनका रेट होगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। मैं आखिरी यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, इसमें हमारे युवा भी साथी है, बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन उनका एक मन में एक डर है किस बात का, कि जिस तरीके से तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिस तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में हम हैं, यहाँ तक कि तो उनकी सोच ही नहीं जाती। पहली बात, अगर सोच चली भी जाती है तो उनको एक डर है कि यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में होंगी। तो आखिर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए क्या संदेश रहेगा आपका तमाम बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थियों को? देखिए, हमारे लोग कुर्बानी के लोग हैं, संघर्ष के लोग हैं, हमेशा से लड़ते आए हैं। अगर हम लोग लड़ना छोड़ देंगे तो जो भी हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है आने वाले समय में, वो भी हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि संस्थानों में आएँ और फेस करें। आखिरकार हम इतने साधियों से फेस कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में आके क्यों ना, चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े, चाहे कितना भी करना पड़े, लेकिन एजुकेशन से हाथ नहीं धोना है, ना ही एजुकेशन से दूर भागना है। हमें जितना भी ह्यूमिलेशन होगा, हम और भी पावरफुल होंगे और साथ आएंगे। और हमारे लोग अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कम आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, संगठन में रहिए, मंजिल मिल जाती है। अगर हम लड़ते हैं, अपनी आवाज़ दर्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुना जाता है, उनको भी सुनना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी दबाव में आके सुनते हों, लेकिन उनको सुनना पड़ता है। वो अपनी तौर तरीके अपनाते हैं, वो अपनी कूटनीतियाँ अपनाते हैं, लेकिन अगर हम एक सजग नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें बिना एजुकेशन के तो ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो आप सबको, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि हम भी दलित मजदूर वर्ग से आए हुए लोग हैं और पीएचडी तक लिए हैं, तो हम लड़ाई करके ही पहुँचे हैं। तो कल के दिन आपको कोई ये ना कहे कि इनके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे इनको आने दें अंदर। तो कम से कम हमें अपना काला मुंह ऐसा नहीं करके दिखाना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें पढ़ना लिखना होगा ताकि हमारे पास एक क्लास पैदा हो, हमारे पास एक प्रबुद्ध नागरिक पैदा हो। देखिए, अगर हमारे पास भेड़ चाल के लोग बहुत होते हैं लेकिन प्रबुद्ध नागरिक कम होते हैं, अगर प्रबुद्ध नागरिक हम तैयार करेंगे, और प्रबुद्ध नागरिक कहाँ से तैयार होते हैं? लेखन से, पढ़ाई लिखाई से, डिबेट से, नेतागिरी से, इसी से पैदा होते हैं। जब वो कलेक्टिवली लड़ाई लड़ते हैं, मिलजुल के बात करते हैं, तब जाके उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है जी। तो जिस तरीके से आपने देखा, तमाम जो हमने सीधी यहाँ पर बातचीत की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तमाम स्कॉलर विद्यार्थियों से जो पीएचडी कर रहे हैं और लगातार पूरे जमीनी स्तर पर जिस तरीके से एकेडमिक एजुकेशन के दौरान लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी का आज पर्व पूरा देश मना रहा है, इसको लेकर किस तरीके से देश के अंदर बरकरार समस्या है, उनका निवारण कितनी समय की मांग हो चुकी है, तमाम मसलों को लेकर हमने सीधी बातचीत की है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।